जल संकट के चलदिया शिमला वासियों की प्यास बुझाने वाली पंजाब की जसवीर कौर की हिम्मत हुण हर कोई सलाम कर रहा है, जिसके चलदिया हुण हिमाचल के राजपाल आचार्य देवव्रत ने जसवीर कौर और उसके पति लखा सिंह नूं सन्मानित किया। शनिवार को राजभवन के राजपाल के वलों जसवीर कौर नूं प्रशंसा पत्र भी दिता गया। उधर यह सम्मान पाने तो बाद जसवीर कौर और उसके पति लखा सिंह भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। हुण दोवें पति पत्नी सऊदी अरब विखे ड्राइवर की नौकरी करने के बारे सोच रहे हैं। बहुत वधिया लगे जी, नहीं जी ये काम चो कोई शर्म नहीं है जी, भी ए नहीं हो बेइज्जती वाला काम, बहुत वधिया काम है जी ये जी। मेरे घर वाले तो बहुत वधिया लगे जी, पता नहीं है तो भी सानू अवार्ड भी मिलेगा। जेडी उत्थे दी पुलिस थी सानू ट्रैफिक जाम नहीं होने दिंदी थी, नाल दी नाल सानू पास करा दिंदे थी गड्डी। कमेटी वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने भी बहुत वधिया सेवा कर रखी है जी। दूजे पासे हरियाणा की महापंचायत भी हुण जसवीर कौर के परिवार की मदद लई अगे आई है। जिक्रयोग है कि जसवीर कौर और उसका पति हिमाचल जल संकट दौरान घंटिया वधी अपने टैंकर राही लोगों तक पानी पहुँचाते सन। मैं इन दोनों व्यक्तियों को बधाई देता हूँ और खास तौर पर एक गाड़ी जो साइंसिंग फाउंडेशन ने 20-22 गाड़ियां लगा रखी थी, उसमें एक गाड़ी ऐसी थी जिसके ड्राइवर अपनी पत्नी के साथ काम करता था, लखा सिंह और जसवीर कौर, इनका एक ही बेटा है। ये यहाँ के बाद सऊदी अरब काम करने जाएंगे, वहाँ गाड़ियाँ चलाने जाएंगे, तो इनका बेटा हॉस्टल में रहता है। तो आज महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी के आह्वान पे हरियाणा महापंचायत उस बच्चे को, जब तक ये सऊदी अरब रहेंगे, उस बच्चे की देखरेख, उसका पढ़ाई का सारा खर्चा हरियाणा महापंचायत वहन करेगी महामहिम के आह्वान पे। 25 ट्रक पड़े जो पानी ढोने वाले वो लेकर के आए, उसमें एक ट्रक ड्राइवर पति पत्नी थे, वो पंजाब से थे, संगरूर से। उनकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन पति के साथ चलती रही और उसने ड्राइवरी से ड्राइवर बन गई। और 10 टायर का ट्रक है जिसको 18 घंटे वो लड़की चलाती है। तो जब वो ये काम देखा और लड़कियां इतनी मजबूत हैं, तो मैंने आज राजभवन उसको बुलाया, प्रशस्ति पत्र दिया कि एक बेटी बिना कोई बहुत बड़ी पढ़ी लिखी लेकिन समाज सेवा के काम में पंजाब से चल करके यहाँ अपने पति का साथ देती रही,